हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पाले अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों मैं डॉक्टर दरबे साहब सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में हम में से कभी भी कोई नहीं जाना चाहता अस्पताल में मगर हमारी लापरवाही कही है या फिर हमारी चीज़ की समझ ना होना यानी जान के अनदेखा कर देना इससे भी हमको अस्पताल जाना पड़ता है और सर्जरी टेबल को भी देखना पड़ता है दोस्तों टॉपिक बहुत ही सिंपल है सर्वाइकल स्पोंडिस यानी सर्वाइकल स्पॉन्डोसिस से हम कैसे बचें एक्सरसाइज के माध्यम हम से हमारे पास अगर कोई मरीज आता है हम लोग उसको फोर स्टेज ऑफ पेन मैनेजमेंट देते हैं स्टेज वन डी स्टेज टू डिफर्मिटी करेक्शन स्टेज थ्री आपका पासिव एक्सरसाइज फिर स्टेज फोर में आपका एक्टिव एक्सरसाइज में उसको लाते हैं यानी चारों स्टेज के साथ साथ डाइट का पूरा ध्यान रखा जाता है पूरी डाइट प्लान उनके लिए बनाया जाता है इसके साथ साथ दोस्तों एक अपना जो एक्सरसाइज का जो पैटर्न क्योंकि द व्हीकल नॉट मीन फॉर द गैरेज ऑलवेज आप हमेशा अस्पताल का चक्कर काटोगे तो जिंदगी दुशवार हो जाएगी इसलिए सबसे बचने के लिए एक तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें आप केमिकल चीज़ों से बचें आप किसी भी तरीके का स्टीरोयड वगैरह के चक्कर में अगर हो तो भी बचो क्योंकि मैं पहले वीडियो में बताया हूं कि महानगरियों में क्या छोटे छोटे शहर में भी आजकल ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपको मोटिवेट करने की को कोशिश करते हैं कि आप दवाई खाओ ठीक हो जाओगे देसी दवाई के नाम से या नहीं कोई कहता है मैं हकीम हूं कोई कहता है मैं वैद्य है कोई कहता है कि मैं आयुर्वेद का जानकार हूं कोई कहता है कि आपका मैं यूनानी में दवाई बेच रहा हूं सारा अगर देखा जाए 90 परसेंट से ज़्यादा दवाई में दोस्तों ये लोग स्टेराइड मिलाते हैं और लगता है कि टेम्पररी हमें लाभ हो रही है मगर लॉन्ग टर्म में हमारा आंत खराब हो जाती है लिवर खराब होती है किडनी खराब होती है दरवाज़ा दरवाजा ठोकर खाते हुए मैंने लोगों को देखा हूं दोस्तों बड़े से बड़े अस्पताल में जाके भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं हाथ से किडनी भी जाती है लिवर भी जाती है दोस्तों ये सब से अगर आपको बचनी है ठीक से अगर आप अपनी सही इलाज चाहते हो तो अपने हाथ को पहचानो अपने किचन को पहचानो अपने घर को पहचानो अपना परिवेश को बढ़िया रखो तभी दोस्तों कुछ बात बनेगी धैर्य की कमी रहती है इसलिए हम लोग अधैर्य होते हैं और फटाफट रिजल्ट पाने के चक्कर में स्टेरॉयड में फंस जाते हैं दोस्तों चार हज़ार आठ हज़ार बारह हज़ार पंद्रह कुछ भी पैकेज बना के बेचा जा रहा है और महीना महीना हम खाते जाते हैं और चीज़ें और ख़राब होते जाती है उससे ज़्यादा डोज उससे ज़्यादा डोज यानी अफीम की नशा अगर बचनी है रेगुलर करो एक्सरसाइज जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसके पहले मैं आपको जानकारी दे दूं जो मेरी किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड यानी अपने हाथ में जो आपकी स्वास्थ्य है उसमें मैं ढाई सौ पेज लिखा हूं आपका एक्यूप्रेशर पर साढ़े तीन सौ पेज है आपका आयुर्वेदिक होम रेमेडी यानी घरों ही उपचार इक्यावन डिजीज के लिए बीमारियों के लिए आप घर बैठ के अपनी इलाज करो ना क्यों किसी के चक्कर में पड़ते हो गाइडलाइन के लिए टेक्निकलिटी जो आपको चाहिए नॉलेज चाहिए दस साल लग के किताब लिखा गया आपके लिए शेयर किया गया है बहुत सारे लोग लेके आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो लोग इंतजार कर रहे हो अभी भी लॉकडाउन का टाइम है किताब पाने के लिए थोड़ा सा और पेशेंस रखें आपको मिलेगा पच्चीस तारीख तक अभी हमने किताब का जो बुकिंग अभी बंद रखे हैं यहाँ से अमेजन पे जहाँ जहाँ आपका रेड जोन नहीं है वहाँ मिल जाएगी वहाँ से आप ऑर्डर दे के मंगवाएँ एक बार के दोस्तों इन्वेस्टमेंट है कई बार लोग पूछते रहते हैं टेलीफोन करके कितना पैसा है तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पचास डॉलर यानी फिफ्टी डॉलर की किताब है ये अंग्रेजी में लिखा गया है ये वाली माई हेल्थ इन माई हैंड और अगर उसको इंडियन करेंसी में अभी के हिसाब से देख लो तो लगभग अट्ठतीस रुपये बनती है मगर अमेजन में भी पुरानी रेट चल रही है थर्टी फाइव हंड्रेड में अमेजन आपके घर पहुंचाता है दोस्तों और उसी का हिंदी वर्सन है ये है आपका हिंदी वर्सन छ सौ पेज ढाई हजार टिप्स और ये भी पचास डॉलर की है जो विदेश में जो किताब लेना चाहते हैं उनके लिए ये किताब लगभग ढाई तीन गुना ज़्यादा रेट हो जाती है ड्यू टू इसका वजन कोरियर और टैक्सेशन वगैरह के कारण तो दोस्तों आप इंडिया में तो ऑनलाइन हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं बाकी वर्ल्ड में अगर अवेलेबल बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में होगा तो आप वहाँ से परचेज़ करें या फिर इंडिया से दिल्ली नोएडा से यहाँ से मंगवा सकते हैं थ्रू कोरियर तो दोस्तों इसके साथ साथ जो सिर्फ एक्यूप्रेशर में अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं इसमें आपका ढाई पेज का एक्यूप्रेशर में फोर कलर में पूरी बढ़िया सा पेपर के साथ लगभग एक किलो की किताब है आप इसको 1750 में अभी अमेजन पर अवेलेबल है अदरवाइज़ ये भी आपका 25 डॉलर की है लगभग उन्नीस सौ रुपया तो ये सारी रेट धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि हर चीज़ की रेट तो बढ़ने वाली है परेशान मत होइए घर में भी थोड़े देर के लिए शांत रहें अपना हिफाजत करें जो लोग किताब नहीं खरीद पा रहे हो वो अपना इस वीडियो को देखें एक एक करके हर बॉडी पार्ट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ हर बीमारी के लिए बना रहा हूँ इसको देखें समझें फिर करो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि हम भी जो मेहनत कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं उसका भी दोस्तों लाभ उठाओ आखिर प्रेशर का ट्रेनिंग जो लोग लेना चाहते हैं आगे लोग अगर नहीं आ पाते हो तो उनके लिए भी डी पेन ड्राइव में नौ घंटा और छब्बीस घंटे के प्रोग्राम अवेलेबल है तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सर्वाइकल की मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा अगर आप रोजाना करोगे एक दो बार कम से कम तो आपको कभी भी सर्वाइकल यानी नेक पेन से आप पीड़ित नहीं होंगे सर्जरी आपकी गर्दन की कभी नहीं होगी यानी आपके मांसपेशी को ताकत मिलेगी आपके स्ट्रक्चर को ताकत मिलेगी आपकी हड्डी को ताकत मिलेगी साथ साथ आप कोशिश करें विटामिन बी ट्वेल्व एक बारी जांच करा के कर देख लें एक बार ही आपका कैल्शियम और डी थ्री भी देख लीजिएगा जिससे कि आप जानो कि आपका हड्डी में कोई कमजोरी तो नहीं है आपका D3 का सफिशेंसी जितना चाहिए वो ठीक है या नहीं है B12 से भी दोस्तों मस्कुलर पेन काफ़ी होती है वो भी चेक करनी चाहिए इसका कई वीडियो में डाला हूँ जिससे कि अगर कम है तो उसको कैसे नेचुरल तरीके से बढ़ाओगे वो बाद भी जानकारी पूरा दिया हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस नेक पेन से बचने के लिए दोस्तों आज की एक्सरसाइज की वीडियो पहला अगर आपको दर्द है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है आप रोजाना एक्सरसाइज कंपलसरी करो कम से कम दिन में दो बार जिसे दर्द है दिन में तीन बार यहां पे इस तरीके से हाथ रखें देखो टेबल के ऊपर हाथ रखा हूं इस तरीके से मैं क्या किया हूं इसको सपोर्ट किया हूं दोस्तों। इस तरीके से सपोर्ट किया हूं। और गर्दन का जो प्रेशर है इस उंगलियों पे ला रहा हूं दोस्तों देखो कोई वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपके ऐसे दिल दे के सीखो सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस के कारण जो सर्जरी होती है दोस्तों रुक जाएगी करोगे तो पाओगे देखो एक से लेकर दस तक आपको काउंट करनी है और ऐसे दबा के रखनी है फिर रिलीज फिर दस तक काउंट करनी है फिर रिलीज फिर से फिर रिलीज ऐसे तीन बार आपको करना है देन आपको क्या करनी है दोस्तों यहां हाथ रखनी है इससे दबाना नहीं है हाथ से नहीं दबानी है आपका गर्दन से हाथ के ऊपर प्रेशर लेना याद रखें ये स्टैंड बाई इसके तरह ये इस्तेमाल किया जाएगा ये दबाओ टेन तक काउंट करनी है रखनी है फिर से ऐसे दस फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस इस तरीके से रखना है ये हो गया थ्री उसके बाद फिर ए हाथ ए हाथ हाँ ऐसे रखे थे अब ए हाथ से करो यहाँ, एक से दस फिर एक से दस फिर एक से दस तक गिनना है हो गया अब आपको दोस्तों क्या करनी है इस तरीके से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस इस तरीके से करना है फिर से दस फिर ये दस फिर ऐसे दबाव हमेशा गर्दन से हाथ की तरफ होगा इसलिए कि यहां की ताकत आपको बढ़ानी है नेक की ताकत बढ़ानी है इसकी मांसपेशी की ताकत बढ़ानी है स्ट्रक्चर को मजबूत करनी है दोस्तों इसलिए हाथ से दबाव नहीं डालनी है यहां से इधर दबाव डालनी है ये भी हो गया आपका दस इंटू थ्री उसके बाद आपको दोनों साइड से ऐसे प्रेस करके ऊपर की तरफ खींचना है दोस्तों एक तरह से मानवाली आप इसको ट्रैक्शन दे रहे हो क्योंकि जो गैप है ये अगर कम हो गया है इसको ऊपर की तरफ खींचना दोस्तों अपने हाथ से जब ये हाथ से आप प्रेशर देकर ऊपर उठा रहे हो ये दोनों शोल्डर जो है दोस्तों नीचे की तरफ आप करना नीचे की तरफ शोल्डर की दबाओ और हाथ की दबाओ ऊपर की तरफ तभी वो ट्रैक्शन बनेगी पूरी देखो शोल्डर का दबाव नीचे की तरफ और इसका दबाव ऊपर की तरफ ऐसे आपको प्रेस करके एक से दस फिर एक से दस फिर एक से दस ऐसे तीन बार ट्रैक्शन दे सकते हो या फिर आप पांच बार भी दे सकते हो देन आफ्टर दोस्तों पीछे से ऐसे हाथ रखिए देखो ऐसे पीछे से ऐसे हाथ रखना होता है हाथ सपोर्ट में गर्दन का दबाव एक से दस फिर एक से दस फिर एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस मतलब दस सेकेंड रोकनी है मैं जल्दी जल्दी गिन रहा हूं क्योंकि टाइम में खत्म हो आपका इस वीडियो अब ये हो गया अब दोस्तों आपको क्या करनी है यहां कान के पास दोस्तों ऐसे जबड़ा और कान मिला के ऐसे हाथ रखनी है ये दबाव डालिए ऐसे मतलब दोनों साइड से प्रेस करिए ऐसे पांच एक दो तीन चार 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 पांच इस तरीके से पांच बार आपको यहां प्रेशर बनानी है दोस्तों फिर क्या करनी है ऐसे हाथ रखो ऊपर शोल्डर को नीचे की तरफ दबा डालो हाथ का प्रेशर सर के ऊपर और शोल्डर का प्रेशर नीचे की तरफ और सिर जो है आपका ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करो सिर ऊपर की तरफ पाम आपका सपोर्ट रहा नीचे की तरफ दबाव डाल के शोल्डर नीचे की तरफ एक पूरी ऐसे बनेगा पूरा ट्रैक्शन ऐसे इसको वैसे ही टेन इंटू थ्री इस तरीके से याद रखें शोल्डर नीचे ये फिर ऊपर को उठेगा ठीक है इसके साथ साथ दोस्तों क्या करनी है इस तरीके से आप दबाव डालोगे हाथ सपोर्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसे करके फिर दस फिर ऐसे करके दस तब ऐसे किया थे अब ये हो गया अब दोस्तों क्या करनी है यहां पकड़नी है यहां यहां ऐसे ऐसे खींचना है पांच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच 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 इससे ब्लड की सर्कुलेशन होगी ब्यूटी भी निखरेगी, सर्वाइकल पर भी बढ़िया असर पड़ेगा दोस्तों उसके साथ क्या करनी है कान कैसे पकड़ो हल्का सा ज़्यादा प्रेशर नहीं देना नीचे खींचो पाँच। पाँच।, पाँच 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 फिर बीच में वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव फिर ऊपर की तरफ वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से करना है थोड़ा बीच बीच में दोस्तों ऐसे ऐसे भी कर लेना ये थोड़ा ऐसे भी कर लेना है ये देखो इस तरीके से पूरा, पूरा चेस्ट में लग के जा रहा है ठीक भी घुमा सकते हो पूरा टच होके जानी चाहिए ओके ऐसे दस पंद्रह बार भी रोटेट करा सकते हो उसके बाद दोस्तों क्या करनी है इसको इस तरीके तो से थोड़ा खींचिए टेन सेकेंड रोको फिर रिलीज फिर इस हाथ से टेन सेकेंड रोकना है रिलीज रो करनी है टेन सेकेंड रोकना है रिलीज करना है इसको एक बार करिए फिर ऐसे एक बार करिए ऐसे तो टोटल तीन इधर तीन इधर क्लियर उसके बाद दोस्तों थोड़ा पीछे ऐसे लीजिए हाथ पीछे से सपोर्ट करें हाथ को ऐसे थोड़ा तो से फैलाएं पीछे हाथ सपोर्ट करके चेस्ट को एक्सपेंड करें दोनों हाथ को एक्सपेंड करें चेस्ट एक्सपेंड हो होगी हाथ दोनों एक्सपेंड हो गए ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाएगा हार्ट लंग्स लिवर किडनी बढ़िया एकदम फास्ट क्लास काम करेंगे दोस्तों दिन में अगर दो तीन बार एक्सरसाइज कर लेते हो आग ऐसा ही रखना है फिर रिलीज ऐसे टोटल तो दस दस सेकेंड रोक के तीन बार दोस्तों करनी है चेस्ट एक्सपेंड करनी है दोनों हाथ को पूरा फैलानी है गर्दन का सपोर्ट यहाँ रख के थोड़ा गर्दन को पीछे लेना है उसके साथ साथ दोस्तों क्या करनी है इसको यहां रख के थोड़ा ये दबाइए जब दबाते हो यहां सारी प्रेशर लीजिए रिलीज रिलीज ठीक से देखो उसी मुताबिक करना इसको तीन बार करनी है उसके बाद यहां ऐसे टाइट करके रखें ऐसे लाओ सांस अंदर भरते हुए आएगा सांस छोड़ते हुए ये जाएगा सांस लेते हुए टाइट करके लाओ ये आएगा सांस छोड़ते जाएगा ऐसे इसको पांच बार दस बार आप कर सकते हो उस तरीके से ऐसे सांस छोड़ते हुए ऐसे आओ फिर ऐसे जाओ फिर गया फिर आया फिर, आया, फिर गया इस तरीके से आप दस बार पाँच बार जितना आप इजीली कर सकते हो वो भी करो उसके साथ साथ दोस्तों ये जो है ऐसे लाओगे मगर ये लगाओगे नहीं ऐसे खींचोगे सिर्फ सिर्फ खींचोगे दस तक गिन के खींचना है फिर इस तरीके से इसको दस तक पाँच दस जितना आप कंफर्टेबली खींच पाते हो साइड से ऐसे गैप आपको बढ़ानी है अगर कम हो गया है वहाँ पर अगर नस दब रही है तो उसको खोलना है दोस्तों ये बीच बीच में पॉइंट भी दबाते रहो इस तरीके से ऐसा सब पॉइंट भी आप दबा सकते हो उस समय में इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करनी चाहिए एक लास्ट एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं वो है कि शोल्डर को आपको ऐसे उठानी है और नमस्कार मुद्रा में धीरे 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 इसको ऐसे खींचनी है ऐसे जाना है थोड़ा तकलीफ होगा मगर फिर आराम हो जाएगा फिर धीरे 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 आना है सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए टाइट करके शोल्डर को भी ऊपर उठाते हुए ऐसे ऊपर जानी है फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे आनी है दोस्तों पूरी पैकेज है करोगे तो पाओगे जो करेगा उसी को दोस्तों मिलेगा ऐसे हाथ मुट्ठी करके स्ट्रांगली लें ऊपर यहाँ टच कराएं फिर रिलीज ऐसे करें पूरा टाइट करके टच कराएं फिर रिलीज ऐसे भी आप चार पांच बार दोस्तों कर सकते हो इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना चाहिए थोड़ा इसको ऐसे पीछे से रब भी कर सकते हो लास्ट एंड ऑफ द ये एपिसोड थोड़ा इसको गर्म करो अच्छे से जहां दर्द हो रही है गर्दन में वहां ऐसे लगाओ फिर गर्म करो अच्छे से हीट जनरेट करो जहां दर्द हो रही है गर्दन में वहां दो फिर ऐसे हीट जनरेट करो यहां दो ये हीट आपको किसी भी तरीके का दर्द को तुरंत पाँच मिनट के अंदर दोस्तों खत्म कर देगा क्योंकि यही बायो एनर्जी बायो इलेक्ट्रिसिटी जीवन शक्ति जो है वो शरीर को हील करेगा बीमारी को ठीक करेगा तो इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे फिर कोई नई एपिसोड के साथ आऊँगा जरूर किताब रखें अपने घर उसका फ़ायदा उठाएँ ट्रेनिंग के लिए एक्यूप्रेशर का डीवीडी या पेन ड्राइव वगैरह मंगाएं जिनकी क्षमता नहीं है फाइनेंशियली कोई दिक्कत है उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपना वीडियो वगैरह जरूर देखें उससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा जिनके अंदर क्षमता है थोड़ा फाइनेंशियली वो इसको जरूर एक घर मंगा के रखें जो मेरे से जुड़े हुए हो वो इसका अमल करो उसके साथ साथ जिनको किताब अपने साथ रखे हो उनके लिए मेरी फ्री कंसल्टेंसी रहेगी आपका ऑनलाइन ऑनलाइन आपको पंद्रह सौ की बेनिफिट होगी जो बाकी पेड होती है फिफ्टीन हंड्रेड टेली कंसल्टेसन वो आपके लिए अप्सुलूटली फ्री होगी जिनके पास मेरी किताब है मैं यहीं से उनको सारी टिप्स भी दूंगा और उनको पॉइंट्स वगैरह कैसे दबानी है उसकी पॉइंट्स को लिख के भी यहाँ से व्हाट्सअप भी कर दूंगा इतना मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ इसके साथ साथ दोस्तों एक सजेशन भी रखना चाहूँगा इस महामारी के टाइम में जो कोरोना वायरस का जो ये है समाज को हम सबकी ज़रूरत है इसलिए देश के नागरिक के हिसाब में चाहे वो पीएम केयर में हो या फिर अगर हम जिस राज्य में रहते हैं सीएम केयर में यानी चीफ मिनिस्टर केयर फंड में हो या प्रधानमंत्री जी केयर फंड में हो ये सब में जो हमारी क्षमता है उसके मुताबिक हमें डोनेशन देनी चाहिए उसके साथ साथ अगर आपके सामने आप देखते हो कोई एनजीओ वगैरह अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए तो उनका भी आपको साथ देनी चाहिए खुद भी अगर कुछ कर पाते हो तो दोस्तों जरूर करो ये एक रिक्वेस्ट है एक सजेशन है आप चाहे तो ये सब सजेशंस को भी प्लीज़ माने और पीएम फंड सीएम फंड अच्छा एनजीओ या खुद कुछ करो यानी चार ऑप्शन आपके पास है इसी बात के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करता हूं थैंक यू वेरी मच जय हिंद जय भारत